और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश। टेक ऑफ के दौरान आग के गोले में विमान बदल गया। बड़ी खबर, टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है। आग के गोले में प्लेन बदल गया। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। राजधानी काठमांडू में यह विमान क्रैश हुआ है। उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हुआ। टेक ऑफ के दौरान यह विमान रनवे से फिसला और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा। सूर्या एयरलाइंस के विमान में 19 यात्री सवार थे और हादसे के बाद विमान में आग लगी। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की। राजधानी काठमांडू में विमान क्रैश हुआ। उड़ान भरने के दौरान यह विमान क्रैश हुआ है। आग के गोले में विमान बदल गया। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा। सूर्या एयरलाइंस के विमान में 19 यात्री सवार थे और हादसे के बाद विमान में आग लग गई। काठमांडू से पोखरा यह विमान जा रहा था और उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हो गया। टेक ऑफ के दौरान विमान रनवे से फिसला और यह हादसा हुआ। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह विमान क्रैश। विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा यह विमान जा रहा था और टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। उन्नीस लोग विमान में सवार थे। टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ। नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा। और फिलहाल लगातार राहत और बचाव कार्य जारी हैं। उड़ान भरते समय हादसे का शिकार ये विमान हुआ। 19 लोग विमान में सवार थे। सूर्या एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुआ और हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह हादसा। उड़ान भरते समय हादसे का शिकार हुआ ये विमान और 19 लोग विमान में सवार थे। सूर्या एयरलाइंस का विमान टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ और फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी हैं। उड़ान भरते समय ये हादसा हुआ। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये विमान क्रैश हुआ और प्लेन में क्रू समेत 19 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर बाद ये विमान क्रैश हो गया। प्लेन सूर्या एयरलाइंस का था। और काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार फिलहाल चला रही है। हादसे में जान माल के नुकसान से जुड़ी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन घटनास्थल से जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं सामने आ रही हैं, उनमें धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस विमान में 19 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था और पुलिस फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल कर रही है। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्रू समेत 19 लोग सवार थे और सूर्या एयरलाइंस का ये विमान टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ।
टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान और उसी दौरान हादसे का शिकार हुआ। तो ये बड़ी अपडेट, काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। दावा है 5 शव बरामद हुए हैं। टेक ऑफ करते वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ और नेपाल के काठमांडू में ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ा हादसा हुआ है। 19 लोग सवार थे, क्रू समेत सौर्य एयरलाइंस के कर्मचारी सवार थे और काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान। बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, क्रू समेत 19 लोग सवार थे, काठमांडू से पोखरा ये प्लेन जा रहा था और प्लेन ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके कुछ ही देर बाद सुबह करीब 11 बजे फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार ये क्रैश हुआ। प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था और काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चला रही है लगातार और नेपाली मीडिया के मुताबिक 5 शव बरामद हुए हैं। नेपाली मीडिया का ये दावा है। टेक ऑफ के दौरान ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें धुएं का गुब्बार उठता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा हादसा, टेक ऑफ के दौरान सौर्य एयरलाइंस का ये विमान था। विमान में आग लगी और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। साथ ही बता दें कि प्लेन जैसे ही क्रैश हुआ फिर विमान में आग लगी और उसे तुरंत बुझा दिया गया। हादसे के बाद घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां जारी है। तो त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी और टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया ये प्लेन। सौर्य एयरलाइंस का ये प्लेन था और लगातार राहत और बचाव कार्य वहां जारी हैं। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। अब क्या कुछ और कारण रहे होंगे, टेक्निकल फॉल्ट या फिर जो भी, वो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर हो रहा है। ये बड़ा हादसा, काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ।